गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू. वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ लीफ फिल्टर. आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि लीफ फिल्टर क्या होता है, वो किस तरीके से वर्किंग करता है, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, और इसे सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया होता है. बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर कीजिए. मेरा ये जो लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसको भी ये डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकता है. सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि लीफ फिल्टर के बेसिकली पार्ट्स क्या क्या होते हैं. तो अगर आप लीफ फिल्टर के पार्ट्स देखेंगे तो इसके बेसिक पार्ट्स होते हैं आपका प्रेशर वेसल, एक वाइब्रेटर असेंबली होती है, लीफ फिल्टर एलिमेंट्स होते हैं, मैनिफोल्ड होता है, एंड बटरफ्लाई वॉल्व विद एक्चुएटर जो इसके बॉटम में होता है. तो याद रखिएगा, ये डायग्राम है जहाँ पे मैंने इन वेरियस पार्ट्स को दिखाया है. ये जो पूरा का पूरा वेसल है इसको बोलते हैं प्रेशर वेसल, बिकॉज इसमें प्रेशर में फिल्ट्रेशन होता है. सेकंड वन इज़ वाइब्रेटर असेंबली. ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी वाइब्रेटर असेंबली लगी होती है, जिसको बेसिकली लगाया जाता है जस्ट केक को गिराने के लिए. थर्ड वन इज़ लीफ फिल्टर एलिमेंट्स, ये जो आप बीच में देख रहे हैं. देन मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड बेसिकली लगाया जाता है ML को बाहर निकालने के लिए. एंड फाइनली द बटरफ्लाई वॉल्व, जो आपके बॉटम में लगा रहता है केक को डिस्चार्ज करने के लिए. अब वन बाय वन हम इन सारी चीज़ों के बारे में आगे की स्लाइड्स में डिटेल में बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं लीफ फिल्टर का ऑपरेशन बेसिकली होता कैसा है. याद रखिएगा, लीफ फिल्टर वर्क्स बाय फीडिंग अ लिक्विड डर्टी इन्फ्लुएंट इनटू अ प्रेशर वेसल अंडर प्रेशर. जो भी मटेरियल मेरे को फिल्टर करना है उसको मैं इस फिल्टर वेसल के अंदर हाई प्रेशर पे, मीन्स वाया विद द हेल्प ऑफ अ पंप, मैं इसमें फीडिंग करता हूँ. जो लिक्विड है वो पास हो जाता है थ्रू द लीव्स, और जो सॉलिड्स हैं ये जो ये बीच में लगी हुई हैं, और ये जो सॉलिड्स हैं वो सॉलिड यहाँ पे जम जाता है. जो फिल्टर्ड लिक्विड है ये एग्जिट करता है थ्रू द बॉटम मैनिफोल्ड. ये देखिए, ये आउटलेट मैनिफोल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है. जो भी लिक्विड अंदर है इसका डिज़ाइनिंग ऐसा रहता है कि जो भी लिक्विड है वो इस मैनिफोल्ड से बाहर आ जाता है, और जो फिल्टर केक है उसको बॉटम से डिस्चार्ज कर दिया जाता है. ये आपका बेसिक ऑपरेशन है. अब वन बाय वन सारी चीज़ों के बारे में मैं आगे की स्लाइड्स में आपको डिटेल में बताता हूँ. सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें आपका लीफ एलिमेंट्स. याद रखिएगा कि अगर आप लीफ एलिमेंट्स को देखेंगे तो बेसिकली ये मेन रोल प्ले करता है आपका किसी भी केक को फिल्टर करने के लिए. ये बेसिकली आपकी एसएस की मैसेज होती हैं ऑफ डिफरेंट माइक्रोन साइज. इसके बाद में इसके ऊपर आप फिल्टर क्लॉथ भी लगा सकते हैं. कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं, इट डिपेंड्स. बट मोस्ट ऑफ द फार्मा कंपनीज में आप देखेंगे कि किसके ऊपर फिल्टर क्लॉथ्स भी यूज़ किए जाते हैं. जो फिल्टर क्लॉथ्स आप अपने जो भी केक आपको फिल्टर करना है उसके पार्टिकल साइज के हिसाब से आप सेलेक्ट करते हैं. ये जो लीव्स होती हैं इनका डिज़ाइन इस तरीके से रहता है कि जो भी इसमें आप मटेरियल फीड करेंगे इस सारे के सारे केक को उसमें रोक लेगा, एंड बॉटम से जो भी ML है वो इसके बॉटम से मूव होके एक मैनिफोल्ड के थ्रू बाहर निकलता है. जो स्पेस होती है लीव्स के बीच की वो बेसिकली डिपेंड करती है, वो 30 to 100 mm के बीच में होती है. वो डिपेंड करती है कि आपका केक की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, केक कितना थिक है, और आपकी ऑपरेटिंग कंडीशंस कैसी हैं. तो ये जो लीफ एलिमेंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इसके केस में. नेक्स्ट वन इज़ प्रेशर वेसल. प्रेशर वेसल आपका एक नॉर्मल तरीके का वेसल होता है जो फॉर हैंडलिंग प्रेशर डिजाइन जो रहता है. जिस भी पंप से आप फीट कर रहे हैं उसका जो डिस्चार्ज प्रेशर रहता है 5-6 kg जो भी रहता है उसके हिसाब से आप बेसिकली जो ये वेसल्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं. अब आप वेसल्स का सिलेक्शन देखेंगे तो ये बेसिकली दो तरीके से रहता है. इट मे बी हॉरिजेंटल टैंक, इट मे बी वर्टिकल टैंक. अब ये सिलेक्शन आपको लेना है कि आप हॉरिजेंटल वेसल्स प्रेफर करते हैं या फिर वर्टिकल वेसल्स प्रेफर करते हैं. अगर आपको कम स्पेस में चीज़ को फिट करना है तो आप वर्टिकल वेसल्स प्रेफर करेंगे. बट वर्टिकल वेसल्स के केस में आपको प्लेट्स को, जो लीफ फिल्टर्स की लीव्स हैं उनको खोलने में एंड क्लीनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है. बट इन केस ऑफ हॉरिजेंटल प्रेशर वेसल्स, ये आपके हॉरिजेंटली रहते हैं, काफ़ी लंबे रहते हैं, तो आपको इसके केस में इसे ओपन करके क्लीनिंग काफ़ी आसान रहती है. अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कितनी स्पेस की अवेलेबिलिटी है और आप इसमें से कौन सा फिल्टर प्रेस बेसिकली प्रेफर करते हैं. जितना भी आपका पंप का डिस्चार्ज प्रेशर होगा उसके हिसाब से इनका डिज़ाइन प्रेशर रखा जाता है.
अब हम बात करते हैं ऑपरेशनल सीक्वेंस क्या होता है आपका फिल्टर प्रेस का। याद रखिएगा, सबसे पहला स्टेप होता है प्री कोटिंग। प्री कोटिंग कई बार ऐसा रहता है कि जो मेरा मटेरियल है उसका नेचर ऐसा रहता है कि वो फिल्टर क्लॉथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टिकी नेचर फॉर्म करता है। इन दैट केस मेन मटेरियल पास करने से पहले उसमें और कोई मटेरियल पास किया जाता है ताकि जो भी मटेरियल मेरे को फिल्टर करना है उसकी जो स्टिकीनेस है वो सरफेस के ऊपर वो कम हो जाए। ये कई बार एक्टिविटी की जाती है और कई बार नहीं भी की जाती है, डिपेंड अपॉन किस नेचर का मटेरियल आपको हैंडल करना है। देन फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में बेसिकली ये देखिए, ये फिल्टर की लीव्स लगी हुई हैं, यहाँ से आपने डर्टी इन्फ्लुएंट इन किया। जब आप डर्टी इन्फ्लुएंट इन करेंगे तो ये डर्टी इन्फ्लुएंट, ये आपकी ये सारी के सारी फिल्टर लीव्स लगी हुई हैं, तो डर्टी इन्फ्लुएंट इन सारी के सारी डर्टी लीव्स के थ्रू पास करेगा। आफ्टर दैट इन ये लीव्स देखिए बॉटम एक मैनीफोल्ड से कनेक्टेड है, ये वाला मैनीफोल्ड, ये जूम करके दिखाया गया, आप गौर से देखिए तो इन जो लीव्स लगी हैं इनके बीच में ये देखिए इस तरीके से पूरी की पूरी केक की लेयर फॉर्म हो जाती है, और जो भी ml यहाँ पे रहता है ये इस बॉटम के मैनीफोल्ड से बाहर की तरफ निकल जाता है और मेरे को क्लीन एफ्लुएंट यहाँ पे मिलता है। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। फीड आपका यहाँ से एंटर किया, आफ्टर दैट ये फीड आपका यहाँ से आ गया, आफ्टर दैट ये इन लीव्स पे गया, देन केक फॉर्म हुआ और बॉटम से जो मैनीफोल्ड है यहाँ से सारा का सारा क्लीन एफ्लुएंट आपका नीचे आ गया। इस केस में आप देखेंगे तो जो फीडिंग है वो थोड़ा बॉटम साइड से है, अदरवाइज दिस फीडिंग कैन बी फ्रॉम सेंटर साइड ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज हिल रिमूवल। जब भी इसमें मटेरियल फीड करते हैं तो कई बार केक ऊपर की तरफ फॉर्म रहता है तो उसको हल्का सा वाइब्रेशंस दी जाती हैं ताकि जो भी केक है वो बॉटम से प्रॉपर तरीके से केक फॉर्म हो। ये जो एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं हिल रिमूवल। आफ्टर दैट केक ड्राइंग। केक ड्राइंग के लिए आप इसमें डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मटेरियल आप हैंडल कर रहे हैं, मान लीजिए इसमें कोई ऐसा मटेरियल है जिसमें सॉल्वेंट्स हैं, इन दैट केस आप केक ड्राइंग के लिए हॉट नाइट्रोजन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर यू जनरली प्रेफर नाइट्रोजन गैसेस एंड ऑल अदर थिंग्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। आफ्टर दैट केक डिस्चार्ज। केक को डिस्चार्ज करने के लिए आप बेसिकली जो बॉटम रहता है इसके बॉटम में आपका बटरफ्लाई वॉल्व दिया जाता है, तो वो जो बटरफ्लाई वॉल्व रहता है वो बटरफ्लाई वॉल्व आपका बेसिकली ये आपका ऑपरेटेड रहता है, ऑटोमेटेड वॉल्व रहता है जो आपको जिस हिसाब से जब आपको केक ड्रॉप करना है तो वो ऑटो में ओपन हो जाता है। इसमें ऊपर की तरफ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया एक आपका ये वाइब्रेटर रहता है, आफ्टर दैट नीचे एक बटरफ्लाई वॉल्व रहता है, तो जैसे ही वाइब्रेटर वाइब्रेट किया इमीडिएटली जो नीचे का एक्चुएटर लगा हुआ है, एक्चुएटेड वॉल्व लगा है, बटरफ्लाई वॉल्व वो ओपन होता है ताकि जो भी केक ऊपर से वाइब्रेशंस की वजह से ड्रॉप हुआ है वो तुरंत बॉटम से डिस्चार्ज हो जाए। याद रखिएगा कि सेलेक्शन डिपेंड करता है कि आपको हॉरिजॉन्टल लेना है या फिर वर्टिकल लेना है। नाउ बात करते हैं सेलेक्शन क्राइटेरिया। इसका जो कलेक्शन क्राइटेरिया है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि कितने फ्लोर की स्पेस अवेलेबल है आपके पास में। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो लिक्विड्स आप हैंडल कर रहे हैं वो आपके वॉलेटाइल नेचर के हैं या किस नेचर के हैं, आफ्टर दैट उसका नेचर कैसा है, टॉक्सिक है, फ्लेमेबल है, किस तरीके का है, देन हाई फिल्ट्रेट क्लैरिटी की जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे बेसिकली हम इसको प्रेफर करते हैं। देन आपका द केक में भी डिस्चार्ज आइदर ड्राई और थिक एंड स्लरी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का केक उससे आउट निकालना है। अगर आपको ड्राई केक चाहिए तो आप ड्राई भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली गीला केक भी बाहर निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो इसके एडवांटेजेस जो होते हैं वो बेसिकली ये होते हैं, क्लॉथ जो इसमें होता है वो अलग अलग स्क्रीन साइज़ का अवेलेबल रहता है जो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके अपने मटेरियल के नेचर के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड वन इज़ जब आप इसको ओपन करते हैं तो क्लॉथ्स की क्लीनिंग काफ़ी ईजी रहती है, आप उसको ईजिली क्लीन कर सकते हैं। देन कई आप इसके लिए जेट क्लीनिंग का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे जितने भी पोर्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। थर्ड वन इज़ इट इज़ मैकेनिकली सिंपल, इसमें मिनिमम मूविंग पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से इसमें लीकेजेस एंड ऑल अदर चांसेस काफ़ी मिनिमम होते हैं। फोर्थ वन इज़ अगर आपको इसे इसको आप कंपेयर करेंगे फिल्टर प्रेस से तो इसके केस में जीरो लीकेज होता है, जबकि फिल्टर प्रेस के केस में मैक्सिमम लीकेजेस ऑब्जर्व होते हैं, इसलिए इन कंपेरिजन टू फिल्टर प्रेस दिस इज़ मोर प्रेफर्ड। देन मिनिमम स्पेस इज़ रिक्वायर्ड, अगर आप वर्टिकल टाइप का लेते हैं तो आपको मिनिमम स्पेस में आपका पूरा का पूरा काम चल जाता है।
नेक्स्ट वन इज हम बात करते हैं बेसिकली डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। अगर आप डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके लिए काफ़ी आपको, अगर आप वर्टिकल लेते हैं तो वर्टिकल में आपको काफ़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, एंड अगर आप हॉरिजेंटल लेते हैं तो आपको हॉरिजेंटल में ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। देन इसमें आपको जब भी आप इसकी क्लीनिंग की एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो एक तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो सिस्टम है वो प्रेसाइज ना हो, ये आपको पहले एंश्योर करना है बिफोर ओपनिंग अप योर फिल्टर प्रेस, बिकॉज अगर वो प्रेसाइज होगा तो एक सडन स्पिलेज हो सकता है और आसपास का पूरा एरिया एंड इवन नियर मिसेस तक हो सकते हैं। तो याद रखिएगा, हमेशा ये एंश्योर करना है कि जो आपका प्रेशर फिल्टर प्रेस है वो पूरी तरीके से एम्प्टी हो और किसी भी तरीके का उसमें अंदर प्रेसराइज सिस्टम ना हो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको फिल्टर प्रेस के बारे में पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे आपका स्क्रबर क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है, एंड वेरियस अदर थिंग्स रिलेटेड विद द स्क्रबर। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।